हेलो एवरीवन यू हैव जस्ट इन टू जॉल विद मी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड ये वी गो तो इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग अगर मैं आपको बताऊं कि अर्थ पर फ़िलहाल जो एग्जिस्टिंग लिविंग स्पीशीज़ हैं वो पिछले थ्री पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स के एवोल्यूशनरी प्रोसेस का नतीजा है और अभी तक लगभग एनिमल्स और प्लांट की वन सेवन मिलियन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई क्लासिफाई और उनके रिस्पेक्टिव फिलेटिक स्टेटस के साथ असाइन किया गया है और इसी कड़ी में हर साल लगभग पंद्रह हज़ार नई स्पीशीज़ डिस्कवर होती हैं सिस्टमेटिक्स का ओरिजिन ग्रीक वर्ड सिस्टमा से है जिसका मीनिंग होता है वर्ड और सीक्वेंस। तो सिस्टमेटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ऑर्गेनिज्म के टाइप डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर उसकी कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा को पढ़ा जाता है कंपेरेटिव एनाटॉमी, कंपेरेटिव फिजियोलॉजी कंपैरेटिव इकोलॉजी एंड कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री एज टू बी स्पेसिफिक और इस टर्म का सबसे पहले यूज किया था कार्लस ने और ये कुछ बेसिक फॉलोइंग फंडामेंटल्स पर आधारित है तो सबसे पहला है इसमें टेक्जोनोमी तो टेक्जोनोमी भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका जिसमें टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमस का मतलब होता है लॉ साथ में इसका मतलब हुआ ऐसे लॉस जो अरेंजमेंट में आ, काम आते हैं तो टेक्सोनॉमी एक, एक स्टडी है आइडेंटिफिकेशन नॉमिन कल्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो आइडेंटिफिकेशन नॉमिन कल्चर और क्लासिफिकेशन होती है उसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है उसकी पढ़ाई को टेक्सोनॉमी कहा जाता है और ये बेस करती है रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब जो क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और रूल्स होते हैं उस पर ये आधारित है टेक्सोनॉमी तो कार्लस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है और इंडिया सब में टेक्सोनॉमी के फादर हैं श्री संतापू जी तो टेक्जोनी के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक स्टडी है आइडेंटिफिकेशन नॉमिनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो इसमें हम मोटा मोटा जानकारी ले लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन नॉमिनकल्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है तो आइडेंटिफिकेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में किसी ऑर्गेनिजम को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि वो कहाँ से है और उसकी पोजीशन है कहाँ से तो इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि आइडेंटिफिकेशन इट इज़ टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसकी एग्जैक्ट प्लेस और पोजिशन को आप पता लगाने को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं फिर है क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी अरेंजमेंट करनी है हमें हायरकिल सीरीज में जिसमें उसके ग्रुप और सब ग्रुप बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम और जिससे उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाया जाएगा आसान भाषा में बोला जाए कि ये एक हायरकिल सीरीज़ है जिसमें ग्रुप और सब uh, ग्रुप्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स uh, की अरेंजमेंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस और इसकी वजह से उनके बीच में एक रिलेशनशिप को फॉर्म किया जाता है ठीक है तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही हो गया इंग्लिश uh, में इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हायर सीरीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसिस इन द ट्रेड्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट देयर रिलेशनशिप ठीक है आइडेंटिफिकेशन हो गया क्लासिफिकेशन हो गया तीसरा था हमारा नॉमिन कल्चर नॉमिन कल्चर भी बहुत इजी चीज़ है नॉमिन कल्चर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देना तो मोटे तौर पर टेक्जोनॉमी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमिन कल्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमने ये तीनों एक्स्पेक्ट्स भी पता कर लिए टेक्नॉमी के कि आइडेंटिफिकेशन में क्या होती है नॉमिन कल्चर क्या होता है और क्लासीफिकेशन क्या होती है और इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड अप करना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ टेक्जोनोमी हमें एक कन्वीनियंट वे मिलता है जिससे हम uh, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से पहचान सकते हैं बस उसके किसी डायग्नोस्टिक या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर का पता कर पता होने से ही मतलब अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई एक ऐसा अलग सा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर पता हो तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन आराम से कर सकते हैं टेक्जोनोमी की वजह से ठीक है और जो हमारे टेक्जोनॉमी होती है उसमें ग्रुप्स होते हैं और उसमें कैटेगरीज होती हैं टोटल सेवन ऑब्लिकेट कैटेगरीज के, होती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीशीज़ तो इसमें जो किंगडम वाली साइड है वो हाईएस्ट टेक्सोनिक कैटेगरी के नाम से जाना जाता है उसे और जो स्पीशीज है वो लोएस्ट और बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है तो जैसे हम किंगडम से राइट साइड की तरफ जाते रहते हैं वो लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ बढ़ते रहते हैं तो और अगर हम स्पीशीज से लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो हम हाई टेक्जोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ बढ़ते रहते हैं बेसिक मुद्दा ये है यहाँ पर uh, समझने का कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास में एन में ठीक है पर हम चैप्टर uh, सेवन में पर हम फिर से एक बार इसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि किंगडम हाईएस्ट टेक्जोनॉमिक कैटेगरी है मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते हैं मतलब ये बहुत बड़ा ग्रुप है एक किंगडम जैसे कि हमने पांच किंगडम पढ़े हैं मोनेरा प्रोटिस्टा वाला मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लान और एनिमेलिया तो ये बहुत बड़ बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इसीलिए इसे हाइस्ट टेक्जोनमिक कैटेगरी बोलते हैं पर जो हमारा स्पीशीज़ और जीनस वगैरह होते हैं जो ये लास्ट लास्ट के होते हैं राइट साइड में ये लोअर और बेसिक टेक्नोनिक कैरेक्टर्स होते हैं कैटेगरीज होती हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिजम्स uh, ही होते हैं अलग अलग मतलब इसमें जो ग्रुप है वो छोटा है ठीक है uh, इसी के साथ uh, एक और बात भी इसमें मैं जोड़ूंगा कि uh, जो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो मैक्सिमम होते हैं लोअर कैटेगरी में मतलब जो लोअर कैटेगरी है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे आपको एज़ कम्पेयर टू हाइस्ट और हाइस्ट एक्सोनमिक कैटेगरीज में मतलब जैसे जैसे हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे किंगडम की तरफ को तो हमारे जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिजम के बीच में वो कम होते जाएंगे पर जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम मतलब बढ़ते रहेंगे राइज करेंगे ठीक है तो इन्हीं कॉमन कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर्स कहते हैं ठीक है आप अभी अ, अ, स्क्रीन से नोट डाउन कर सकते हैं इस बारे में सो so, आगे हम बढ़ेंगे इस इसी कड़ी में तो जो आर एच वाइटेकर ने हमें फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी वो हाईली एक्सेप्टेबल है अराउंड द वर्ल्ड तो हम यही पढ़ते हैं आर एच वाई टेकर की फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन नाइन्थ क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक ये पढ़ते हैं तो आर एच वाई टेकर ने नाइनटीन सिक्सटी नाइन में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें वही आते हैं मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लान और एनिमिलिया ये क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या थे वो अब हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहला क्राइटेरिया है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर मतलब जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है तो सेल का स्ट्रक्चर दो ही टाइप का होता है या तो प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है प्रोकैरियोटिक भी हमें पता है प्रोकैरियोटिक होता है कि ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल हो पर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण उसमें न्यूक्लियस को हम आर्टिफिशियल बोलते हैं तो प्रोकैरियोटिक वही हो गया जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है मतलब बड़ी पिक्चर में देखें तो उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है और यू कैरेटिक ऑर्गेनिजम वो होते हैं यू कैरेटिक सेल वो होता है जिसमें वो न्यूक्लिक मटेरियल भी होता है और न्यूक्लिक मटेरियल को सराउंड करने के लिए एक न्यूक्लिक मेम्ब्रेन भी होती है और उसकी वजह से हम उसे एक न्यूक्लियस की तरह देखते हैं तो जिसमें न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल हुआ जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ तो ये था हमारा पहला क्राइटेरिया कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर है क्या दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है तो बॉडी स्ट्रक्चर भी दो टाइप का ही हो सकता है या तो ए यूनिसेलर हो सकता है आ, मतलब सिंगल सेल और या तो मल्टी सेलर हो सकता है मल्टी सेल मतलब बहुत सारे सेल ठीक है तो ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर तो तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी बहुत बेसिक और बहुत ही बेसिक ही है और क्या है <laughs> तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो या तो ऑटोट्रॉपिक होगा या तो वो हिटोट्रॉपिक होगा ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाने के सिंथेसिस खुद करते हैं और हिटोट्रॉपिक uh, हुआ जो खुद नहीं करते हैं अपने खाने के सिंथेसिस ठीक है बेसिक बेसिक चीज़ें हैं फिर uh, जो ऑर्गेनिजम्स uh, होते हैं उनकी जो इकोलॉजिकल लाइफ होती है वो तीन टाइप की होती है बेसिकली या तो ऑर्गेनिजम प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स नहीं प्लांट्स एंड ग्रास लाइक मतलब प्लांट बेसिक प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं दूसरे टाइप के जो लाइफ स्टाइल ऑर्गेनिज्म का हो सकता है वो हो सकता है कंज्यूमर कंज्यूमर मतलब जो प्लांट को खाता है और जीता है या दूसरे एनिमल्स को खा के जीता है ठीक है वो कंज्यूमर है मतलब वो कंज्यूम कर रहा है फिर होता है डिकम्पोजर डिकम्पोजर का मतलब होता है कि जो प्लांट और एनिमल को डेड होने के बाद अंगल्फ करके उसे स्मॉल पार्टिकल सिंपल पार्टिकल में सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल या तो प्रोड्यूसर होगा या तो कंज्यूमर होगा या डिकम्पोजर होगा ठीक है फिर एक थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में तो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें हम किसी भी स्पीशीज़ के कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में आ, रेफर करते हैं किसी भी एक आ, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ठीक है मान लो कुछ एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम दिया है मान लो सिंस इंसेप्शन कोई दो स्पीशीज़ हैं ठीक है वो आपस में कॉमन करेक्टर शो कर रही है मान लो दो स्पीशीज़ हैं बी और सी जो डायग्राम में अभी आपको दिखाई दे रहा है जो बी और सी स्पीशीज़ है वो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इनके बीच में कॉमन एंसिस्टर्स हैं तो इन दोनों स्पीशीज़ के साथ में जो तीसरी स्पीशीज़ है जो हमारी स्पीशीज ए है उसका भी कनेक्शन है एट टाइम वन मतलब मोटे तौर पे देखा जाए कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी ओरिजिनेट हुई है एवोल्यूशन में तो इसी को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं तो आज का जो हमारा लास्ट डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कि क्लासिफिकेशन कैसी है तो जो हम पहले भी थोड़ा बता चुके हैं अब इसमें थोड़ा और प्रकाश डालेंगे हम तो सबसे पहले होता है किंगडम मोनेरा तो किंगडम जो मोनेरा होता है उसमें प्रोकेरियरस होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकेरटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकेरियोर्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनमें प्रोकेरियाटिक सेल्स होते हैं सेल्स या सेल ठीक है तो किंगडम ओनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं मतलब उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसके अंदर जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं फिर दूसरा किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलर यूकैरियोट्स का मतलब हुआ जिसमें सिंगल सेल होता है और जो यूकैरियोट्स है यूकैरियोट्स मतलब जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है फिर है तीसरा किंगडम किंगडम फनजाई या फंगय फंजी जो भी है तो किंगडम फंगस या फनजाई जो होता है उसमें मल्टी सेलर डिकम्पोज़र होते हैं मल्टी सेलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल हैं और डिकम्पोजर मतलब, तो है, मतलब जो हमारा थर्ड इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल है डिकम्पोजर डिकम्पोजर मतलब जो डेड प्लांट और एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसे कहते हैं डिकम्पोज़र uh, तो किंगडम uh, में सब मल्टी सेलर डिकम्पोजर होते हैं मतलब बहुत सारे सेल वाले डिकम्पोज़र uh, और जो हमारा फोर्थ किंगडम है किंगडम प्लान्टे या मेटाफाइटा तो जो मेटाफाइटा है उसमें मल्टी सेलर प्रोड्यूसर होते हैं मल्टी सेलर मतलब बहुत सेल वाले और मल्टी सेलर प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर uh, हमने वही इकोलॉजिकल लाइफ में पढ़ा कि प्रोड्यूसर वो होते हैं जो uh, चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली प्रोड्यूसर का मतलब होता है ऑटोट्रॉप्स कंज्यूमर का मतलब होता है हीटेट heter और डिकम्पोजर का मतलब होता है सेपरो तो जो किंगडम प्लान्ट या मेटाफाइटा है उसमें मल्टी सेलर प्रोड्यूसर होते हैं मतलब जो ऑटो होते हैं जो खाने की मतलब फूड की सिंथेसिस करते हैं और जो लास्ट किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया जिसमें सब मल्टी सेलर हैं किंगडम एनिमेलिया या मेटाजोआ जिसमें सब मल्टी सेलर कंज्यूमर्स हैं मल्टी सेलर कंज्यूमर्स मतलब वही मिलियंस ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल्स वाले कंज्यूमर्स हिटरोप्स uh, सो दैट वॉज द डिस्कशन अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ नेक्स्ट डिस्कशनजी के पहले किंगडम किंगडम प्रोटिष्ठा पर होगा थैंक्स फॉर बिंग विद मी आई होप यूअर बेनिफिटेड बाय द नॉलेज इस आउट